हमारे जमाने में हमारे पिताजी किसी फादर्स डे के मोहताज थोड़ी थे। जब भी उनका मन करता था 3-4 लाख हमको दे के याद दिला दिया करते थे, मैं तेरा बाप हूँ। लोग काम से फ्री होते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, और एक हम हैं मोबाइल से फ्री होते हैं तब काम करते हैं। भैया डीजल का कहना है कि हमारे दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए पेट्रोल पंप की जगह डीजल पंप बोला जाए। डीजल ने जिस तरह पीछा करते करते पेट्रोल पंप को पकड़ा है, हमारे हिसाब से अगला मुकाबला सोना चांदी में हो सकता है। शादी के पंगत पे खाना खाने को बैठा, जैसे ही N95 का मास्क उतारकर मैं टेबल पे रखा, किसी ने दोना समझकर उस पर रायता डाल दिया। जब डॉक्टर की शादी किसी डॉक्टरनी से होती है तो उनकी शादी में 7 वचन नहीं होते, 8 वचन होते हैं, और वो वचन होता है 8वां, चलो मिलके नर्सिंग होम खोलेंगे। मिडिल क्लास होना भी एक गौरव की बात है। जीवन में कभी बोरियत नहीं होती, कुछ ना कुछ टंटा लगा ही रहता है। ए भैया शादी शुदा आदमी सब कुछ भूल सकता है। हाँ, शादी शुदा आदमी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन घर पर मोबाइल नहीं। ए भैया केस किंग के विज्ञापन में लंबे बालों का दावा करने वाली हीरोइन के पति खुद गंजे हैं। ए भैया कोरोना बारात लेके हर जगह पहुंच गया है, इसलिए फूफू बनके आगे आगे नाचने की कोशिश ना करें, फूफा बनके मुंह फुला के एक जगह चुप्पे से बैठ जाएं। ए भैया लॉकडाउन में 5 रुपए का गुटखा 30 रुपए में खाने वाले और 50 रुपए की दारू 200 रुपए में पीने वाले आज पेट्रोल डीजल महंगा होने पर वित्त मंत्री बन के घूम रहे हैं। अच्छा, खुद के सैनिटाइजर से लोग धूप बोल से हाथ को साफ कर लेते हैं, और दूसरे के सैनिटाइजर को ऐसे लोग हाथ में डालते हैं जैसे नहाना हो। ए भैया 100 में से 99 आदमियों को एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, अजी मैं हूँ तो निभा रही हूँ, मेरी जगह और कोई होती तो छोड़ के चली जाती तुमको।